यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में आज सुबह तीन जिलों से हादसे की खबरें सामने आई हैं, जिसमें श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में यह हादसा हुआ। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। कन्नौज में कार को बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। इसके अलावा कौशाम्बी में हुए हादसे में स्कूटी ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से ये ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब हुआ। श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में ये हादसे हुए, सड़क हादसे हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार ही हादसे का कारण रहा। यूपी में आज सुबह तीन जिलों से हादसे की खबरें सामने आई हैं, जिसमें श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में यह हादसा हुआ। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। कन्नौज में कार को बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। इसके अलावा कौशाम्बी में हुए हादसे में स्कूटी ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से ये ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब हुआ। श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में ये हादसे हुए, सड़क हादसे हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार ही हादसे का कारण रहा। यूपी में आज सुबह तीन जिलों से हादसे की खबरें सामने आई हैं, जिसमें श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में यह हादसा हुआ। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। कन्नौज में कार को बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। इसके अलावा कौशाम्बी में हुए हादसे में स्कूटी ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से ये ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब हुआ। श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में ये हादसे हुए, सड़क हादसे हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार ही हादसे का कारण रहा। यूपी में आज सुबह तीन जिलों से हादसे की खबरें सामने आई हैं, जिसमें श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में यह हादसा हुआ। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। कन्नौज में कार को बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। इसके अलावा कौशाम्बी में हुए हादसे में स्कूटी ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से ये ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब हुआ। श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में ये हादसे हुए, सड़क हादसे हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार ही हादसे का कारण रहा। यूपी में आज सुबह तीन जिलों से हादसे की खबरें सामने आई हैं, जिसमें श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में यह हादसा हुआ। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। कन्नौज में कार को बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। इसके अलावा कौशाम्बी में हुए हादसे में स्कूटी ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से ये ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब हुआ। श्रावस्ती, कन्नौज और कौशाम्बी में ये हादसे हुए, सड़क हादसे हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार ही हादसे का कारण रहा।